मुंबई का धारावी एक ऐसा इलाका जब कोरोना वायरस की शुरुआत हुई तो सबसे ज्यादा मामले यहीं से सामने आए। एक समय था जब धारावी हॉटस्पॉट बना हुआ था, लेकिन आज एक और नया समय है और आपको बता दें कि धारावी से जीरो कोरोना के मामले सामने आए हैं और ये एक बड़ी उपलब्धि है बीएमसी के लिए, साथ ही साथ जो लोग धारावी में रहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि लोगों की सहायता और बीएमसी के काम दोनों की वजह से ही धारावी में जीरो कोरोना का जो मामला है वो सामने आया है। धारावी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग कर पाना बेहद मुश्किल है। घर आपको दिखाएंगे, यहाँ पर ज़रा इन तंग गलियों को देखिए, छोटे छोटे घर हैं, एक घर में कम से कम 7 से 8 लोग रहते हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग कर पाना बेहद मुश्किल था और बीएमसी के लिए यही चैलेंज था। घर की बात करें तो साथ ही साथ हम यहाँ पर जो कॉमन टॉयलेट्स हैं उसकी भी बात करेंगे। कॉमन टॉयलेट्स में यहाँ पर लोग जो हैं वो जाते हैं और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो कर पाना बेहद मुश्किल था। टॉयलेट्स की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए लाइन से ये कॉमन टॉयलेट्स हैं और उस दौरान भी हमने देखा था लगातार बीएमसी जो है वो सैनिटाइज इसको कर रही थी, इलाके को भी सैनिटाइज कर रही थी। बीएमसी ने यहाँ पर 4 T's फॉर्मूला जो है वो अपनाया, यानी कि ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। मुंबई की धारावी में आबादी लाखों में है, यहाँ पर 15,000 से ज्यादा सिंगल रूम फैक्ट्री है। धारावी में लेदर, पोटरी, टेक्सटाइल जैसे कई व्यवसाय चलते हैं और ज्यादातर चीजें बाहरी देशों में एक्सपोर्ट होती हैं। यहाँ पर भारी संख्या में प्रवासी मजदूर रहते हैं। यहाँ पर बीएमसी के लिए आबादी ही सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन इससे निपटने के लिए बीएमसी ने बखूबी काम किया। कोरोना की शुरुआत से ही बीएमसी ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग की और इसके साथ लोगों को कोविड केयर सेंटर में लगातार क्वारंटीन करने का काम किया। इसके अलावा हेल्थ वर्कर्स भी धारावी की तंग गलियों में जाकर लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहे। बीएमसी के लिए धारावी में काम करना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि मैन पावर की बहुत कमी थी, लेकिन बीएमसी के इस प्रोग्राम में धारावी के लोकल डॉक्टर्स ने उनकी काफी मदद की। साथ ही बीएमसी ने भी लोकल डॉक्टर्स को क्लिनिक चलाने की अनुमति दी। इतना ही नहीं, बीएमसी ने सभी क्लिनिक्स को समय समय पर सैनिटाइज भी करवाया। इस पूरे इलाके में होम क्वारंटीन करना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे घरों में 7 से 8 लोग रहते हैं, इसलिए बीएमसी ने लोगों को क्वारंटीन सेंटर में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई और शिफ्ट करना शुरू कर दिया। बीएमसी ने स्कूल, कॉलेज, मैरिज हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इन सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया। केवल क्रिटिकल पेशेंट्स को ही धारावी से बाहर ले जाकर अस्पतालों में एडमिट किया गया और लोगों ने भी बीएमसी के प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कोरोना को मात दी। आप बताइए, धारावी में शुरू से हम देख रहे थे कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा आ रहे थे, लेकिन अब जीरो हो गया है, तो धारावी वासी होने के नाते आप लोगों को कैसा? धारावी में क्या हुआ कि धारावी में जो लोग हैं कॉपरेट बराबर किए, घरों के अंदर रहे कि, और हमारे यहाँ से पुलिस प्रशासन भी बहुत ज्यादा टाइट रहा है। यानी सीनियर इंस्पेक्टर नागरे साहब हैं, रमेश नागरे, उन्होंने भी बहुत ज्यादा कॉपरेट किया पब्लिक के साथ में और पब्लिक भी वैसे ही कॉपरेट की। घरों से ना निकलना, दिन भर घर में रहना, बस जो भी जरूरत की चीजें हैं वो गली गली भी लोग बेचने आते थे, मिल जाता था। इसके वजह से धारावी में कोरोना जो है सबसे पहले कंट्रोल धारावी में हुआ और जीरो हो गया। दादा ये बताइए, जीरो हो गया कोरोना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ सही। आप यहाँ रहते हैं, आपको कैसा लग रहा है? जीरो तो लग रहा है कि कोई चीज का यहाँ पे बीमारी का कोई अंदेशा नहीं है। आ रहे हैं आप लोग भी, आ रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं, जा रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम लोग तो हर चीज के साथ देने के तैयार है। अच्छा, आप लोग बीएमसी जो बातें कहती थी उसको मानते? अभी भी मान रहे हैं, जो बोलेगा ऐसा रहना वैसा रहना, जैसा बोले ऐसे तरीके से रहते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ गुजारिश करना है, यहाँ पे जीना है। यहाँ ये बताइए, धारावी में शुरू में आप लोगों ने देखा था सबसे ज्यादा कोरोना यहीं था, डर था, खूब शौक था, अब जीरो हो गया, कैसा? अभी अच्छा लग रहा है, सब आराम से घूम रहे, ठीक ठाक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे, अच्छा है। ये बताइए किन किन चीजों का आप लोगों ने पालन किया जिससे आपको लगता है कि जीरो? बराबर हाथ वगैरह धोना, बार बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वगैरह कर रहे हैं, अभी थोड़ा डिस्टेंस रख रहे हैं, मास्क बराबर लगा रहे हैं, हाथ भी बराबर धो रहे हैं साबुन से। आपको लगता है धारावी के लोग जो गाइडलाइंस दी गई थी उसको फॉलो कर रहे हैं? जी। साथ ही साथ आपको बता दें कि धारावी के जो लोग हैं उनका भी सहयोग मिला, उन्होंने भी बीएमसी जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग कर रही थी उसमें सहयोग दिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि धारावी में जीरो कोरोना के मामले आने के बाद अब ये देखना होगा कि क्या ये इसी तरह से
कंटिन्यू कर पाता है। यहाँ आप जरा एक बार नजर डालिए, ये तंग गलियां हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं। शुरुआती दौर में बीएमसी के लिए काफी मुश्किलें थी क्योंकि लोग जो है वो मास्क पहनने को तैयार नहीं थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब तस्वीरें बदली हैं, लोग भी जागरूक हुए हैं और शायद यही वजह है कि धारावी में अब कोरोना के मामले पहले की तरह नहीं है और जो हॉटस्पॉट बना हुआ था धारावी उसमें कमी आई है। साथ ही ये देखना होगा कि क्या जिस हिसाब से बीएमसी यहाँ पर काम कर रही है और जो स्थानीय लोग हैं वो सहयोग दे रहे हैं इसी तरह से चलता है और यहाँ पर कोरोना के केसेस पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं या तस्वीरें समय के साथ बदलती हैं। धारावी से कैमरा पर्सन सुभाषी दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।